अनमोल भैया जैसे जो लोग हैं वो इस शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गोदड़ी में भी लाल पैदा होते हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वो गरीबी थे, और अब्दुल कलाम हैं राष्ट्रपति पद तक पहुँचे वो बहुत गरीब थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा का जो है पैसों से कोई संबंध नहीं है। यदि लगन है बच्चे में तो वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जो है शिक्षा प्राप्त करेगा, और जिसमें लगन है वो बहुत ऊंचा पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं। सर ये जो नियम है ना ये बहुत एक तरीके से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है भारत की उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। और हम पश्चिमी संस्कृति का, पहले जो पश्चिमी संस्कृति में ऐसा होता था और आज भी हम देखते हैं कि वो उन लोगों ने जो है वो छोड़ दिया है, और वही हमारी तरह पास और उत्तीर्ण करने का जो प्रावधान था उन्होंने लागू कर दिया। हम उनकी नकल कर रहे हैं, और नकल से ये हुआ कि हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार होने चाहिए थी, प्रतिभा जो तैयार होनी चाहिए थी वो प्रतिभा तैयार ही नहीं हो रही। हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें, ये बहुत गलत बात है। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि पास और फेल का तो नियम होना ही चाहिए, इसको और थोड़ा सा कठोर बनाए ताकि बच्चा बहुत आगे पहुंचे और उनमें थोड़ा भय भी पैदा हो। अगर पास फेल होंगे ही नहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, आज के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। नाइन्थ क्लास में बच्चा, आज मैं देखता हूं कि नाइन्थ क्लास में जो बच्चा है वो उसको शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश नहीं आती है, यहाँ तक कि पहाड़े तक नहीं आते हैं। अब उनको जबरन नाइन्थ क्लास में पास करना पड़ता है, और आगे जाके वो बच्चे हमेशा के लिए फ्लॉप हो जाते हैं, उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है, और वो बच्चे देश के लिए एक तरीके से अकार्यशील के रूप में हो जाते हैं। सर ये कुछ नियम ऐसे आए हैं जैसे पहल पास फेल का है या ये डांटने का है, ये हमारी पार्टी पॉलिटिक्स में जो राजनीति के लोग हैं ये ऐसे नियम ला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स पार्टियाँ जो चलाती हैं या जो राजनेता होते हैं वो भी एक तरीके से लिटरेट इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं, और चूंकि वो ही इस तरीके का नियम बनाते हैं। अगर आज बच्चा भाई कहते हैं भाई बिन प्रीत नहीं, अगर बच्चे में थोड़ा सा डर नहीं होगा तो पढ़ेगा ही नहीं और अनुशासनहीनता करेगा, और इससे क्या है कि हमारा जो युवा वर्ग है ये एक तरीके से हमारी पटरी से नीचे चल रहा है, उनमें जो है न तो संस्कार पनप रहे हैं और न वो एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैं तो सभी डायरेक्टर से ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक जैसा पुण्य कार्य है इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए जो ऐसे लोग अनमोल भैया जैसे जो लोग हैं वो इस शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहते हैं, तो हम सबका ये दायित्व है, न केवल स्कूल वालों का, न केवल पेरेंट्स का, न केवल बच्चों का, हमारे पूरे समाज का दायित्व है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे लोगों का हर स्तर पर सपोर्ट किया जाए। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को ऐसी फिल्म दिखाई जाए, हर पेरेंट्स को ऐसी फिल्म दिखाई जाए, हर डायरेक्टर ऐसी फिल्म देखे, हर टीचर ऐसी फिल्म देखे और उसके अनुसार फिर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। सर आज सारी व्यवस्था व्यावसायिक हो गई है, पहले जो शिक्षक और शिष्य का जो संबंध होता था वो बहुत घनिष्ठ संबंध होता था। शिक्षक पहले पैसे के लिए पढ़ाता ही नहीं था, पहले आपने देखा था कि देखा होगा कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वो निशुल्क शिक्षा दी जाती थी, रोज जो शिक्षक होते थे वो समर्पित होते थे। लेकिन आज जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि आज हर आदमी, एक तो जैसे सरकारी शिक्षक है वो काम कम करना चाहता है,
पढ़ाना नहीं चाहता और पैसे ज्यादा चाहता है। इसी प्रकार आजकल कोचिंग संस्थाएं आ गई, ये संस्थाएं क्या पैसा तो ज्यादा देती हैं लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए आज स्कूलों की जो व्यवस्था है, स्कूलों की जो दशा है, उस व्यवस्था में जो है टीचर मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूलों में संसाधन कम होते हैं और संसाधन कम होने के कारण वो ज्यादा पेमेंट या भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक नहीं मिलते हैं। आधुनिकता की दौड़ है, कोई भी पेरेंट जो है अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहा, न टीचर पहचान पा रहा। आज हर व्यक्ति जो है अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या उस आईएएस अधिकारी बनाना चाहता है, जबकि उसकी प्रतिभा का पहले प्रतिभा को देखा जाए, बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज छठी हम देखते हैं कि छठी क्लास से बच्चे को डमी करवा दिया जाता है, जो कि इलीगल है। गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, डमी क्लासेज हैं या कोचिंग क्लासेज हैं, इन पे पूरा कंट्रोल करना चाहिए और इनके खिलाफ एक कानून बनाकर जो है इस तरीके की व्यवस्था को रोका जाए, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से निखार सके। क्योंकि देखते हैं, हम देखते हैं कि डमी क्लासेज में न बच्चे में कोई अनुशासन होता है, न उसमें कोई ड्रेस कोड होता है, न उसमें कोई संस्कार होते हैं। यहाँ तक देखा है मैंने कि डमी क्लास के नाम से बच्चे कोचिंगों में चले जाते हैं और कोचिंग से बंक मार के जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। न वो पढ़ने के लिए रहते हैं, न वो घर के लिए रहते हैं, और वो बच्चे जो है इस तरीके से वो बच्चे बिगड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में उसका खामियाजा हमारे समाज को उठाना पड़ता है। सर, आजकल हम देखते हैं कि बैंकों में जब कोई ग्राहक लोन लेकर फॉल्ट हो जाता है तो उसकी एक रेटिंग चलती है, उसको एक नंबर दिया जाता है, और जब वो फेल हो जाता है, लोन समय पर नहीं चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको और कहीं से भी जो है लोन वगैरह नहीं मिलता है। यही हमारे यहाँ होनी चाहिए, हर पेरेंट्स की जो है एक रेटिंग होनी चाहिए हर स्कूल में, और एक ऐसा पोर्टल बनना चाहिए, उस पोर्टल पे हर पेरेंट्स की रेटिंग होगी तो पेरेंट्स ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। अगर पेरेंट्स ऐसा व्यवहार टीचर से करता है या डायरेक्टर से करता है या प्रिंसिपल से करता है, तो देखिए वो बच्चे भी देखते हैं और बच्चा भी ऐसा ही अनुसरण करते हैं। जब उसके माँ बाप, बच्चे के माँ बाप ही जब इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो आप बच्चे से कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चा हमारा जो अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी, बच्चे का सबसे बड़ा विद्यालय तो पहले अपना घर है, अपनी माँ है, अपना बाप है, उन्हीं के संस्कार वो लेकर आगे बढ़ता है। यदि माँ बाप भी ऐसे होंगे तो बच्चे भी फिर उसी तरीके से होंगे। पर गवर्नमेंट से मैं इतना चाहूँगा कि हमारे राज्य सरकार जो है इस पर एक कानून बनाए और जो टीचर से या डायरेक्टर से या अपने प्रिंसिपल से इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा कई स्टेट्स में इस तरीके के नियम बन चुके, कानून बन चुका, तो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके का कानून बनाकर जो है ये जो टीचर और शिष्य का जो संबंध है उसको मधुर बनाए रखें। सर, ये यहाँ नेतागिरी नहीं चलती। हम शिक्षक का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है और एक शिक्षक चाहता है कि हर तरीके से उसके जो शिष्य हैं वो बढ़ें। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में आएं और ऐसी फिल्मों को हम सपोर्ट करते हैं, हम दिखाते भी हैं। और अनमोल भैया ने तो जो फिल्म बना रहे हैं, ये शिक्षा में जो क्रांति कर रहे हैं, ऐसी फिल्में, मैं तो उनको बार बार कहता हूँ कि एक साल में 2-3 फिल्में निकालें, और 2-3 फिल्में निकालने से हम सपोर्ट उसको पूरा करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों में संस्कार डेवलप होंगे, शिक्षा में जागृति आएगी
एक डायरेक्टर है वो भी जो है नई नई चीजें इनसे सीखेगा और अपने जो संस्थान है उसमें अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश करेगा, स्टूडेंट्स को अच्छी चीज देने की कोशिश करेगा। तो ऐसी फिल्मों को तो जो है समर्थन बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, हर संस्थान से निवेदन करता हूँ, हर पेरेंट से निवेदन करता हूँ, हर छात्र से निवेदन करता हूँ कि ऐसी फिल्मों को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है अच्छे संस्कार सीखें और वो आगे बढ़े। अनमोल जी तो बहुत बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा पुण्य है जो सबसे बड़ा पुण्य है। लोग जो है वो धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं पर वो इतनी कारगर नहीं होती हैं। एक बच्चे को शिक्षा देना जीवन में, अगर प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चे को शिक्षित कर दे तो वो उसका सबसे बड़ा पुण्य होगा। और चूंकि अनमोल जी तो लाखों बच्चों को जो है इस तरीके की फिल्म बनाकर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपना तन मन धन सब कुछ लगा रहे हैं। मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें, उनको प्रेरित करें कि इस तरीके की फिल्में बनाएं और प्रत्येक विद्यालय में जो है उसको दिखाने की पूरी व्यवस्था करें। और प्रत्येक विद्यालय के लिए ये भी पाबंद किया जाए कि ऐसी फिल्में यदि आती हैं तो उनको जरूर दिखाई जाए। मैं अनमोल जी का कोटि कोटि मैं अनमोल जी को प्रणाम करता हूँ कि वो ऐसे पुनीत कार्य से जुड़े हुए हैं। और मैं तो गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे लाकर, मंच पर लाकर उनको जो है सम्मानित करना चाहिए, ताकि ऐसे और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और ऐसे जुड़ते जाएंगे तो एक कारवा बनेगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बच्चों में संस्कार पैदा होंगे और हमारा देश, जैसे कहा जाता है कि हमेशा शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी हो सकता है। अनमोल भैया 31 अगस्त को मूवी रिलीज होने जा रही है, उस मूवी को मई स्टाफ और बच्चों के मैं देखने जा रहा हूँ। और मैं हर संस्था के डायरेक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ, पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है छूटना नहीं चाहिए, इस मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी ऐसी मूवी है जो बच्चों में सकारात्मक भावना पैदा करेगी और बच्चों में संस्कार विकास उत्पन्न करेगी, जिससे कि हमारा देश का भला होगा।